हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं जयपुर और मैं बताता हूँ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो जर्नी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि हमने 152D एक्सप्रेसवे यानी कि ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे लिया था और जैसे कि आप देख सकते हो ऑन योर लेफ्ट वाज नारनौल। तो हमने पहवा से नारनौल के लिए एक्सप्रेसवे लिया और बहुत ही अमेजिंग एक्सप्रेसवे था। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, एकदम सीधा। इसका स्ट्रेच अराउंड 220 किलोमीटर्स का था। इस हाईवे पे ना क्या होता है कि हर 200 मीटर्स पे लिखा होता है कि आप कितना कवर कर रहे हो। जैसे अभी हमने ये हाईवे अराउंड 142 किलोमीटर्स कवर कर लिया एंड हर 200 मीटर्स पे इट इज रिटर्न। आफ्टर ड्राइविंग फॉर 200 किलोमीटर्स हमने ब्रेक लिया हाईवे किंग पर, जहाँ पे बास्किन रॉबिन्स, सबवे, ज्ञानीज जैसे फूड आउटलेट्स थे और शॉपिंग के लिए भी जगह थी। तो वी हैड सम रेस्ट एंड उसके बाद हम चल पड़े टू आर डेस्टिनेशन जयपुर। नाउ जयपुर किसी को एक नॉर्मल सिटी लग सकती है बट मुझे बहुत ही पसंद आई। जिस तरह से हिस्टोरिकल जयपुर है, आई डोंट थिंक मैंने इतनी सारी सिटीज़ देखी हैं। जयपुर ट्रूली में एक इंडियन हेरिटेज सिटी है एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम चल पड़े अपने होटल की तरफ जो कि गोविंद मार्ग पे था। काफ़ी सारे होटल्स थे इस रोड पर, उनमें से एक हमारा भी था एंड वी हेडेड देयर। दिस इज़ द होटल, दिस इज़ रमाडा जयपुर। आउटलुक अच्छी लग रही है इसकी होटल की, लाइक दिस। लेट्स हाउ वी एंटर। This is the view. On the left is the reception. और अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जो कि हमें फ्री अपग्रेड मिला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी गॉट अ बेसिकली अ सुइट जिसमें लॉबी थी, दिस इज द लॉबी एरिया। इसमें सोफाज पड़े हैं एंड डाइनिंग टेबल भी हैं। देन द रूम वॉज प्रिटी नाइस, काफ़ी सही था एंड ऑल्सो द बाथरूम वॉज नाइस। बाथटब था बाथरूम में एंड द अदर एमिनिटीज वर देयर। तो ऑल इन ऑल इट वॉज गुड। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा, वी ऑल्सो सॉ अदर रूम्स जो कि बहुत ही एवरेज थे, बट थैंक्स टू द फ्री अपग्रेड हमारा स्वीट काफ़ी बेटर था। एंड इसके बाद इट वॉज टाइम टू गो फॉर सम कैफेज और सबसे पहले हम गए बार पैलेडियो। काफ़ी होटल के काफ़ी पास था तो एंड इट वॉज सो वंडरफुल। Let's see some of the highlights of Bar Palladio. ये प्रॉपर्टी पहले मानसिंह जी के अंदर में थी, लेकिन ये पहले से यहाँ पे जस्ट सामने आप देखेंगे वहाँ पहले से एक हमारा उसका ही एक पार्ट था। एक बहुत पहले लाइक 200 साल पहले उसी के लाइक उन्हीं के वंशज वगैरह जो रहते हैं मानसिंह जी, वही सब उनका भी है जो उनके। एंड बार पैलेडियो के बाद टाइम था इसी के एडजेसेंट दूसरा रेस्टोरेंट जाने का जो कि है शिकार बाग। बिल्कुल ग्रीनरी से फुल था ये और शैरियट्स खड़े थे यानी कि रथ। बहुत ही प्रिटी जगह थी, बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह थी। और यहाँ पे हमें क्या दिखे, यहाँ पे हमें मोर भी दिखे। बहुत ही वंडरफुल साइट थी, काफ़ी मज़ा आया एंड खाना भी काफ़ी अच्छा था इस जगह का। जैसा कि ये बड़ा रथ था और हम बैठे थे इससे छोटे रथ में, इस वाले में, तो काइंड ऑफ एक्सक्विजिट एक्सपीरियंस था विच वॉज आई वुड रियली रिकमेंड यू। एंड हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, कैमोफ्लाज पिज़्ज़ा, तो इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, यू शुड ऑल्सो हैव इट। ऐसा कुछ दिखता है बाजार, हर शॉप के बाहर कुछ असाइन नंबर्स हैं। तो पार्किंग एरी ये रहा, ऐसे दिखता है ये बाजार कुछ। पापू बाजार देखने के बाद हम चल पड़े थे एक बहुत ही स्पेशल जगह। बट उससे पहले मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग लगी, आई थिंक ये सिटी पैलेस है
अगर कोई किसी को अच्छे से कंफर्म है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सिटी पैलेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड देन हम अपनी लोकेशन डेस्टिनेशन पर पहुंचे जो कि है रामबाग, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच आई सॉ इन जयपुर, बहुत ही प्रिटी था, इट शुड बी इन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वॉज वे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज सो ब्यूटीफुल। रामबाग पैलेस वॉज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। रामबाग पैलेस में तीन रेस्टोरेंट हैं, एक सुवर्ण महल फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट था, वेरांडा कैफे या वेरांडा रेस्टोरेंट था जो कि आप बाहर बैठ सकते थे, एंड उसके बाद जिसमें हम गए वो था स्टीम रेस्टोरेंट जिसमें एक ट्रेन थी, ट्रेन में ही बैठ सकते थे या बाहर बैठ सकते थे एंड वी कुड इन्जॉय डिनर देयर। And that's how we ended our day. It was a wonderful day. We really had a lovely time in Jaipur on day one. So that's it for day one. Stay tuned for day two now. Thank you.